वेलकम टू मॉम्स किचन। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं रूहू फिश फूल गोभी और आलू के साथ। ये एक ट्रेडिशनल बंगाली डिश है। इसके लिए जो सामग्री हमको चाहिए वो है फूल गोभी, ऐसे छोटे छोटे टुकड़े में आप काट लें, फिश, जीरा, क्यूमिन सीड, सरसों का तेल, घी, हरी मिर्च। ये है आपका जो ड्राई, आप पहले जीरा को भून लें और फिर उसको ऐसे आप पीस लें। आलू छोटे टुकड़े में कटे हुए, नमक, हल्दी, कुछ तेज पत्ते। चलिए बनाना शुरू करते हैं। आप कढ़ाई बैठा लें और उस पर सरसों का तेल रख दें गर्म होने के लिए। जब तक तेल गर्म हो रहा है उतने वक्त पे आप पहले हम मछली को थोड़ा मैरिनेट कर लेते हैं। इसके लिए हमको मछली में थोड़ा हल्दी डालना है और थोड़ी सी नून, नमक। इस तरह से आप पूरे मछली के पीसेस पे हल्दी और नमक अच्छे से लगा लें। देखिए अब तेल गर्म हो चुके हैं, अब इसमें हम लोग फिश को डाल के फ्राई कर लेंगे। सारे मछली मेरी फ्राई हो चुकी है, ये देखिए मैंने सारे मछलियाँ पूरा निकाल लिया है। ये देखिए सारे मछली फ्राई हो चुके हैं। अब हम लोग इसके करी के लिए आगे का प्रोसेस करेंगे। अब देख सकते हैं कढ़ाई में मेरी तेल थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि इसमें गोभी और आलू भी फ्राई होंगे, इसलिए इसमें सबसे पहले आप तेल में जो आपके पास जीरा रखा हुआ था वो जीरा डालें और ये जो तेज पत्ते रखे हुए थे उसको डाल दें। अब जीरा जैसे ही क्रकल कर ले उसके बाद आप इसमें डाल दें जो कटे हुए गोभी थे वो गोभी। और जो आलू आपने रखे थे वो आलू। और इन दोनों को अच्छे से लाल होने तक तो हम लोगों को फ्राई करना है। इसके लिए हम इसमें थोड़ा सा और एडिशनल हल्का सा नमक और हल्दी मिला लेंगे और हल्दी और नमक के साथ इसको लाल होने तक का फ्राई करेंगे। आलू और गोभी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, हमको दिख रहा है। इसी स्टेज पे ना हम लोग जो हरी मिर्च रखे थे वो सारे इसमें डाल देंगे और एक मिनट के लिए इसको फिर भून लेंगे। देखिए एक मिनट हो चुके हैं, मैंने एक मिनट हरी मिर्च को थोड़ा भून लिया है आलू और गोभी के साथ। अब इसमें हम लोग डाल देंगे पानी। ये पानी आपको जितना ग्रेवी चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप पानी डालें इसमें। क्योंकि गोभी और आलू जो है वो थोड़ा सा और कुक भी होगा। क्या है इस कारण से क्योंकि ये थोड़ा सा जब ये पकेगा तो ये पानी थोड़ा सा और कम हो जाएगी। तो इसमें हम लोग आप देख सकते हैं इसका कलर, तो इसमें आप थोड़ा सा और हल्दी यूज कर लें ताकि और साथ में नमक आप चख के फिर ही ऐड करें। अभी थोड़ा सा मैं डाल दे रही हूँ, हम लोग लास्ट में जब ये बन के करीब तैयार हो जाएगा उस समय हम लोग नमक एक बार फिर से चेक कर लेंगे और अगर ज़रूरत होगा तो और नमक हम लोग ऐड कर लेंगे। इसको हम लोग बॉयल आने देंगे और थोड़ी देर के लिए इसको देखिए
अच्छे से उबलना स्टार्ट हो गया है। अब इसमें हम लोग जो फिश है वो सब चीज़ ऐड करेंगे। सबसे पहले हम लोग ऐड कर लेंगे ये जो जीरा भुना हुआ पाउडर रखा था हमने, वो और इसको मिला देंगे। अब जो मछली है उसको ऐड कर देंगे। सब मछली के पीसेस इसमें डाल दें। और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। इसको हम लोग ढक देंगे, लेकिन इससे पहले एक सीक्रेट चीज बताती हूँ आपको। इसमें थोड़ा सा कच्चा सरसों तेल ऊपर से डालें, थोड़ा सा, और फिर इसको आप ढक दें। लेकिन ढकते समय थोड़ा सा देखिएगा, ये पूरा कवर नहीं होना चाहिए। अगर पूरा कवर हो जाएगा जो ऑयल है ऊपर आ जाएगी। तो हल्का सा इसमें ऐसे खुला छोड़ के इसको ढक दें। अब इसको पकने के लिए छोड़ें जब तक आपका आलू और गोभी अच्छे से नरम नहीं पके। देखिए ये अभी इसका जो ग्रेवी है वो काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है, और ये गोभी भी आप एक दबा के देख लें। ये देखिए गोभी भी पक चुकी है, आलू भी आपका पक चुका है। तो मतलब आपकी मछली बनके तैयार है। इस स्टेज पे आप इस पे ऐड करें उतारने से पहले ही एक चम्मच ये घी, और ऐसे ही आप इसको परोस सकते हैं। अगर आप चाहें, ये ऑप्शनल है, ये घी डाल के ही आप इसको उतार के परोस सकते हैं। आप अगर आप चाहें तो इसमें एक चुटकी भर आप गरम मसाला पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं करती हूँ तो इसीलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। इसमें एक चुटकी गरम मसाला मिला लें और इसको आप उतार के गर्मा गर्म सर्व करें। आप मनचाहा बर्तन पे उतार लें और इसको गर्मा गर्म परोसें। ये फूल गोभी और आलू के साथ आपकी रुई मछली रोहू फिश जो है वो बनके तैयार है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो भी नए विजिटर्स हैं, और बेल आइकन को दबा दें ताकि आगे के वीडियोस आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।